और यहाँ पे आए हुए सारे वक्ताओं ने काफी डिटेल में बात रखा है कि किस तरीके से एक लार्जर अटैक चल रहा है। और जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से जब यहाँ पे मैं बात रखने आई हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स फ्रंट की भी हम लोग बात रखें कि किस तरीके से एक लार्जर अटैक जो अभी ये सरकार चला रहा है, पिछले 5 साल में हमने देखा है एक लगातार अटैक दलित जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के सेक्शन के लोग हैं उन पे चलाया जा रहा है, जो महिला है, युवा है, छात्रा है, उन पे किस तरीके का चल रहा है। और उसी का रिफ्लेक्शन हर एक यूनिवर्सिटी स्पेसेस में आज है। आप देखिए हमारे कैंपस में, मैं स्पेशली जेएनयू के बारे में कुछ चंद चीज़ें बोलना चाहूँगी कि हमारे कैंपस में वाइस चांसलर जो आरएसएस का एजेंट है वहाँ पे बैठा हुआ है, आने के बाद उनके जो लोग है वहाँ पे नजीब अहमद हमारे जो स्टूडेंट है उनको पीटा जाता है खुलेआम, उनके जो कल्प्रिट से आज भी कैंपस के अंदर घूम रहे हैं। और इधर सरकार और तमाम प्रेशर के साथ सीबीआई को यहाँ पे दबाव डाला जा रहा है कि आप रिपोर्ट को क्लोज कर दीजिए, लेकिन वो संघर्ष रास्ते में हम लोग उतर के लड़े हैं और आने वाले टाइम में भी लड़ेंगे। और हमारे जो साथी नजीब के साथ हुआ है जिस तरीके से वो एनफोर्स रिजर्वेड अभी तक है, हमें हमारे साथी हमें नहीं वापस मिला है, उसके लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। ये भी मीडिया के लिए हम बोलना चाहते हैं कि आप ये क्वेश्चंस पूछिए कि बार बार प्रेशर क्यों डाला जा रहा है सीबीआई के थ्रू कि वो रिपोर्ट को क्लोज किया जाए। और इसके साथ तमाम तरीके से यूनिवर्सिटी स्पेसेस में जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जनरेशन को पूरा रोक दिया गया आने से सीट कट के थ्रू, रिजर्वेशन को बार बार कटेल किया जा रहा है, वहाँ पे 98% सीट कट हो जाता है एमफिल पीएचडी रिसर्च में। और बार बार जो वाइस चांसलर भी है और उसका रिफ्लेक्शन पूरे देश में दिख रहा है, ये सरकार है लॉ का ये लोग एक्सक्यूज लेके बोल रहा है कि कोर्ट ये बोलता है, यूजीसी हमें ये बोलता है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे एक संविधान बोल के भी चीज है, आप अगर उसको मान लेते हैं तो वो संविधान रिजर्वेशन की बात बोलता है, और अगर आप वो संविधान को पढ़ ले तो वो सबकी बेसिक राइट्स के बारे में बात बोलता है, वो ये नहीं बोलता है कि जो दलित पिछड़े हुए तबके के लोग हैं, जो महिला है उनसे उनका राइट छीना जाए। और लगातार इस देश में ये हो रहा है। तो जेएनयू के जो स्टूडेंट्स यूनियन है और जेएनयू का जो कम्युनिटी है वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन आज इस देश में लड़ रहे हैं उनका आवाज बन के बुलंद खड़ा है और उनकी सॉलिडरिटी में खड़ा है। साथी चंद्रशेखर को जिस तरीके से इन लोगों ने बंद करके रखा है और जो बाकी साथी है उनका हम लोग यही सॉलिडरिटी देते हैं कि इमीडिएटली उनको रिहा किया जाए। और जेएनयू की तरफ से हम सॉलिडरिटी देते हैं उस पूरे स्ट्रगल को, और आने वाले टाइम में जितना भी संघर्ष रहेगा जेएनयू की तरफ से एक बुलंद आवाज़ हम लोग उठाएंगे कि साथी चंद्रशेखर के साथ साथ जिनको भी इन्होंने एक तरीके से कोर्ट के नाम लेके इन लोगों ने वहाँ पे रविदास टेम्पल के तोड़ने के खिलाफ, डिमोलिशन के खिलाफ जैसे साथी वहाँ पे लड़ रहे थे, मशाल वहाँ पे एक मार्च निकाले थे उसके खिलाफ, जिस तरीके से उनको जेल में बंदी किया जाए गया है उसके रिहा के लिए इमीडिएटली एक्शन मांगते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे पहले भी वक्ताओं ने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे ले और इमीडिएटली वहाँ पे जो साथी उनको रिहा करे। और मीडिया से यही अनुरोध रहेगा कि जो केसेस हर एक देश में चल रहा है, जिस तरीके से आवाज़ माइनॉरिटी के हर जगह पे दबाया जा रहा है, दलितों का दबाया जा रहा है, उसको आप लोग और बढ़ चढ़ के अच्छे तरीके से एक मेन स्ट्रीम मीडिया में लाइए। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भाजपा का मनुवादी और मनुस्मृति का जो एक आइडिया वो यहाँ पे इंश्योर करना चाहते हैं कि बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान को रिप्लेस करके हम लोग कुछ मनमान, हम लोग मेजोरिटी में यहाँ पे पार्लियामेंट में बैठ गए तो कुछ भी करेंगे, ये उनका एजेंडा फुलफिल नहीं हो। ये सिविल सोसाइटी, छात्रों, युवा, महिला, पिछड़े हुए तबके के लोग जो है, दलित, हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे, उसके साथ मीडिया का सहयोग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया इंकलाब जिंदाबाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।